शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं एजुकेशन टाइप्स वेलफेयर ट्रस्ट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर शिक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। और बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं सात निश्चय योजना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस बारे में जानकारी लगातार देने का काम एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस ट्रस्ट के द्वारा रिलायंस डेनी अकादमी भी चलाया जा रहा है, जो कि गोलबीघा में स्थित है। वहां आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम कर रही है। इसी बीच आज कोटा के जाने माने इंस्टीट्यूट एलएन इंस्टीट्यूट के द्वारा दीनी अकादमी में स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें गया जिले के काफी दूर दराज गाँव के बच्चे इस स्कॉलरशिप एग्जाम में भाग लिया है। आज हमारे यहाँ रिलायंस दीनी अकेडमी में एलएन कोटा का स्कॉलरशिप का एग्जाम यहाँ पर सेंटर पड़ा है। गया जिला के बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की। ये कोटा राजस्थान का सेंटर यहाँ दिया गया है, जिसमें बच्चे छात्रवृत्ति के लिए ये मैंने परीक्षा दे रहे हैं। 2 घंटे की परीक्षा है और ये समस्त पूरे गया जिला के लड़के इसमें बैठ रहे हैं। कोटा वालों ने इस स्कूल को सेंटर बनाया है और यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ से छात्र अगर एंट्रेंस में कहीं ना कहीं अगर हो जाते हैं तो एलएन कोटा वाले इनको आगे की पढ़ाई के लिए फ्री में ही करेंगे, फ्री इनको सारा कोचिंग देंगे आगे की पढ़ाई के लिए। इन लोगों ने इस तरह किया कि अगर उस तरह का कट ऑफ मार्क्स ऊपर लाया तो इन लोग को आगे की पढ़ाई मुफ्त में एलएन के द्वारा दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस तरह की परीक्षाएं दिलाती रहती है, उसमें रिलायंस दीनी अकेडमी का सेंटर का यह प्रभार मिला है और हम लोग उसको चाह रहे हैं सफलतापूर्वक मैंने को इसमें सारे बच्चे लाभान्वित हो, ज्यादा से ज्यादा माने मार्क्स लाएं और उत्तीर्ण हो। दीनी अकेडमी इसके लिए क्या कुछ दीनी अकेडमी इसके लिए मैंने पूरा तत्पर है कि सारे बच्चों को किस तरह के सारे गार्जियन को हर तरह का सहूलत देते हुए ये परीक्षा हो उनके देखरेख में एलएन वाले के और ये परीक्षा में सब सफल हो, यही मेरी कामना है। बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी भी नहीं रहता। सर ये जो है एलएन वालों ने हमें दायित्व दिया था जो सामाजिक कार्य समझते हुए हम लोगों ने इसको पूरा सारे स्कूल वाले को सहयोग करने के लिए कहा। ग्रामीण सुदूर मैंने इलाके के स्कूलों में जाकर के हम लोग उनके प्राचार्य से निदेशक से मिले कि अपने मैंने क्लास के अपने वर्ग के अच्छे बच्चों को बिठाइए ताकि उससे फायदा उठाए। दूर दूर तक जाकर के हम लोगों ने इसका प्रचार नहीं किया, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप बिठाइए, चूंकि इसमें 1 रुपया भी परीक्षा देने में नहीं लगा, ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। और बच्चे जो है किस तरह का कम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो जानेंगे इसके द्वारा, एक बहुत बड़ी बात है कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। ये एक सुअवसर है जिसका वो सारे के सारे बच्चे लाभ उठाएंगे और बहुत सारे बच्चे आए। गया जिला में कौन कौन से गांव या प्रखंड से यहाँ पर पहुंचे? पूरा चाकन, आपको पीला, वजीरगंज, सारे गांव के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर उनका सेंटर पड़ा है और वो यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। शहर में यही एक सेंटर है जिसको परीक्षा केंद्र उन्होंने बनाया है और वैसे 2 जगह और है गया जिला में, एक मानपुर में बना है और एक पुजापी डेल्हा में बना है। तो इसमें हम चाहेंगे कामना करते हैं कि ये अच्छा अच्छा सा सारे बच्चे सफल हो और मैं इस स्कूल का प्राचार्य मैं दिल्ली से कामना करता हूँ कि सारे बच्चे हमारे गया के सफल हों ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, आने वाले भविष्य में वो कुछ कर सके, इससे उनको एक प्रेरणा मिलेगी क्या इस तरह का भविष्य में उनको एक परीक्षा देने का मौका मिलेगा। चूंकि स्कूल में आज के डेट में क्या एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव से तो काम नहीं चलेगा, आगे की पढ़ाई अगर करनी है तो। स्कॉलरशिप का क्या यहाँ पे एलएन की तरफ से कितना तक दिया है? एलएन की तरफ से ये सर ये कट ऑफ में मार्क टेक्निकल है, अच्छा। वो हम लोग नहीं जानते हैं, वो लोग वहीं से ही होगा। या आज के डेट में हम इतना जानते हैं पूरे देश में भारतवर्ष में 1-7-5 नवम्बर को हो रहा है, ये मैं जान रहा हूँ। हर एक शहर में बड़े शहर में इनका एग्जाम, भगवान करे उसमें सारे अच्छे बच्चे सब मैंने उत्तीर्ण हो और उससे लाभ उठाए। और ये हमारे ट्रस्ट की उसको इस तरह काम करती है जिसके लिए हम चाहेंगे हमारे शंकर सर कुछ उस पर प्रकाश डालें। मेरा नाम सीएम आरफिन सैफी, मैं रिलायंस दीनी अकेडमी प्राचार्य हूँ, लगा रहता हूँ सामाजिक कार्य में कि लोग लाभ उठावें। धन्यवाद। रिलायंस दीनी अकेडमी 2005 से ये संस्था चल रही है जिसमें लगभग 650 बच्चे हैं, 250 बच्चे फ्री यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनका ड्रेस किताब कॉपी सारा कुछ दिया जाता है। तो ये संस्था का हमेशा कोशिश रहा है कि गया शहर के वासियों के लिए बराबर मेडिकल का चेकअप होता है, डेंटल
का चेकअप होता है, आईज का चेकअप होता है, साथ में जो बड़े बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जैसे एलेन करवाता है, ए टू जेड करवाता है, आकाश करवाता है, हम अपने ही संस्था में निश्चित रूप से करवाते हैं, और करवाने के बाद जो है उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, ताकि 100 में से कम 10 बच्चा जो है वो बिल्कुल मुफ्त पढ़ सके, और गरीब बच्चा जो पैसा के अभाव में अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता है, उसे अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा जिसकी पहुंच नहीं है पैसे की वजह कर गाइडेंस की वजह कर, उसको चाहते हैं कि एलेन जैसे संस्थाओं में आकाश जैसा संस्थाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, और इसके लिए रिलायंस दिनी एकेडमी और हमारा ट्रस्ट एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट वो ऑलरेडी लगा हुआ रहता है सभी चीज़ों के लिए, जहाँ पर गरीबों को हेल्थ चेकअप की बात होती है वहाँ पर हेल्थ चेकअप लगता है, जहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात होती है स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, वैसे बच्चे जो पॉलिटेक्निक बीटेक एमबीए एमसीए करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, और योजना के थ्रू निःशुल्क बिना एक रुपया लगे हुए भी बच्चों का जो मेन इंटेंशन है उनका मकसद है वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है।